स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स के क्या मतलब होता है क्या इसके आस्पेक्ट होते हैं क्या इसकी स्टेजेस होती है अगर मैं सिंगुलर सेंस की बात करूं uh, क्या इसके टूल होते हैं तो so, यह छोटा एक छोटा सा वीडियो होने वाला है बट स्पेसिफिकली वील बी फोकसिंग ऑन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है सो इफ यू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस स्टैटिस्टिक्स मीन क्वानिटेटिव इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन जो नंबर में हो इन्फॉर्मेशन इन दंबर्स इज बेसिकलीटिव इंफॉर्मेशन और क्वान्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कोई भी अगर आपके पास डिटेल होती है उसको क्वॉंटिफाई करना यानी कि नंबर में एक्सप्रेस करना एंड देर मस्ट बी ए सिस्टम मेथड और टेक्निक टू कलेक्ट क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन तो देखो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स की ओवरऑल एक लेकिन स्टैटिस्टिक्स कि, का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी फैक्ट्स को किसी भी फाइंडिंग को क्वान्टिटी में रिप्रेजेंट करना फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लेट से आस्था और आस्था से एक दूसरा स्टूडेंट पूछता है अभ्य डू यू नो वट इज दू नो वट इज दॉवर्टी इन इंडिया और हाउ मच द पॉवर्टी इज देर इन द इंडिया कितनी पॉवर्टी है तो आस्था रिप्लाई करके अरे बहुत है अब भाई बहुत कितना तो आप जब उसको बोलते हो कि इफ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी देन आ, इन इंडिया पॉइंट ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको ट्वेंटी पॉपुलेशन इज पुअर तो यहां पर जब हम इस बात की इसको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वॉट कॉल क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स देखिए बेटा ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन इफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू दिस डेफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू और जैसे कि काफी सारी चीजों को हम एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते मतलब एक चीज में एक चीज को लेके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे मैंने पूछा आप में से कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज एलिफेंट आपने कहा

जितने भी इकोनमिस्ट हैं वो सिंगल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन्होंने इसे दो एस्पेक्ट्स में एक्सप्लेन किया है so सो इट अगर हम बात करें सिंगुलर सेंस की तो सिंगुलर सेंस का मतलब होता है इट रेफर्स टू दी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कौन से मेथड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सो डोंट वरी अबाउट दैट

वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना चाहिए सो वेन वी टॉक अबाउट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं दैट इज वॉट स्टैटिस्टिक्स सो क्या क्या मैथड होते हैं पे अटेंशन स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन यानी कि पहले डेटा को कलेक्ट करना ऑर्गेनाइज यानी उनके कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स uh, के हिसाब से उनको डिवाइड करना जैसे मम्मी आ, आ, जो आपका स्पाइस स्पाइस स्पाइसेस बॉक्स बॉक्स होता है, जो स्पाइस बॉक्स होता है है जो घर पे मसालदानी जो होती है उसमें आप एक तरफ आ, जो है आ, एक एक तरफ चिली पाउडर रखते हैं एक तरफ क्यूमिन सीड्स रखते हैं तो उसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना जैसे कि आप अपने बैग को ऑर्गेनाइज करते हैं एज पर दीरियड्स विच यू आर हैविंग इन योर स्कूल तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन यानी कि आपने आईपीएल वाले मैचेस वगैरह में देखा होगा डायग्राम डायग्राम बार डाइग्राम, पाई चार्ट की कितना एवरेज है बैडमिंटन में क्रिकेट में या और किसी गेम में उसके पॉइंटर्स जो होते हैं इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ड्राइंग कंक्लूजन ड्रॉइंग कंक्लूजन कंक्लूजन निकालना तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सो so दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जब आप न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं प्रेजेंट करते हैं एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रीट करते हैं यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं इन सारी चीजों को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो बेसिकली ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं ऑफ डेटा कलेक्शन तो दिस इज वी कॉल स्टैटिस्टिक्स सो वी कैन सिंपली से दैट दी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं देखिए सबसे पहले जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर स्टेज वन आती है जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा आपने डेटा कलेक्ट किया कैसे कलेक्ट करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन तो जिसको आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं क्लासीफाई करना क्लासिफिकेशन ये यहां पर होता है देन आपका आता है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन यानी कि बार डायग्राम वगैरह की हेल्प से ये बार डायग्राम बना लिए पाई चार्ट की हेल्प से इस तरीके से अलग अलग या फिर आ, हिस्टोग्राम ओजाइव की हेल्प से, मतलब कि किसका अच्छा है, किसका नहीं है इस तरीके और का मतलब होता है, तो आप ये जो स्टेजेस हैं इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में काफी बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आपको कोई टेस्ट होता है या यूनिट टेस्ट या फिर फर्स्ट uh, टर्मिनल ऐसा होगा तो उसमें विच इज द फर्स्ट स्टेज नेम द फर्स्ट स्टेज विच इज द थर्ड स्टेज नेम द फोर्थ स्टेज डू यू मीन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें याद रखनी है स्टेज मत तोड़िएगा कलेक्ट पहले करेंगे फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन देन प्रेजेंट करेंगे उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन होगा कलेक्शन कैसे होता है क्या टूल्स होते हैं कलेक्ट करने के कलेक्शन हो ऑर्गेनाइज कि मतलब कैसे किया जाता है एरे ऑफ डेटा या टेलीबार्स की हेल्प से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल से ग्राफ से डायग्राम से एनालाइज कैसे किया जाता है परसेंटेज निकाल के और एवरेजेज निकाल के इंटरप्रिटेशन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज को निकाल के अलग अलग के एवरेजेस रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं ये सारी चीजें पता करके कि जैसे सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली जब ये दोनों ओपनिंग पे आते हैं तो इनका स्कोर बहुत अच्छा रहता है अब आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला आपने इंटरप्रिटेशन किया कैसे इंटरप्रिटेशन किया आपके पास डेटा अवेलेबल था रॉजर uh, फेडर जो है जब किसी के साथ खेलते हैं या फिर कहीं पे स्पेसिफिक जगह पर खेलते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे भी बहुत कुछ इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है uh, तो बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ये टूल्स होते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ आप लेते रहे एक यहाँ पर डेफिनेशन आते है, ये प्लुरल सेंस की बात कर रहे हैं और दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हॉड एक्रिस्ट नाम के एक, एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया अब आप बोलेंगे सर क्या ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा फेवरेबल रहेगा आपके लिए नहीं करेंगे तो भी इट्स ओके बट ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अलग अलग कलर्स लेके जो यहाँ पर जब जब कलर चेंज हो रहा है दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा न्यूमेरिकल डेटा आप कह सकते हैं जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सो वेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस अब तक मैंने बताया सिंगुलर सेंस में सिंगुलर सेंस में मतलब होता है मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन बट राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स

या फिर एस्टिमेटेड यानी कि सब में से कुछ लोगों की स्टडी कर ली जैसे आपकी क्लास में तीस बच्चे हैं और तीस में से तीस को मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं दैट इज वट कॉल एनिमोरेशन मेथड और 30 में से मैंने से 10 बच्चों को ही स्टडी किया है दैट इज व्हाट वट कॉल एस्टिमेशन तो डेटा जो है एनिमोरेटेड हो सकता है एस्टिमेटेड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए ज्यादा चाहिए तो एन्य मेथड होगा कम चाहिए

अगर आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं अ वेरी गुड थिंग सो इफ यू नो फाइंड से मतलब इतना मैं नहीं कहूंगा कि बहुत क्लियर uh, डेफिनेशन है बट अगर आप चाहें आराम से याद करना तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं जो बहुत आसान है तीन चीजें होनी चाहिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स

Numerically जी हाँ, numerically भी है। क्या कंपेयर कर सकते हैं जी हाँ कंपेयर भी कर सकते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स है मैं बोलूं, cow has four legs. क्या ये स्टैटिस्टिक्स है जी नहीं सबसे पहले तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेट्स से वंश इज हैविंग टू लेग्स

और कंपेरेबल होना चाहिए दिस इज वट वी कॉल स्टैटिस्टिक्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और अगर आप देखेंगे तो ये सारे वही पॉइंटर्स हैं जो हमने इकोनॉमिस्ट थे उनकी डेफिनेशन में देखे थे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डिफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज रीजनेबल एक्सी सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम एज पर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्टिस्ट एंड दैट्स व्हाई आई वाज़ टेलिंग यू कि आप ये डेफिनेशन जरूर कीजिए सो आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जाएंगे क्लासेस थैंक यू सो so मच ऑल ऑफ यू